वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दरपेश संगीन सूरतेहाल और मौशी चैलेंजेस से निकलने के लिए हंगामी बुनियादों पर मौशी तजावीज़ और सिफारशात की तैयारियों की हिदायत जारी कर दी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा गया कि बाज़ अनासिर गुमराह कुन मुहिम के जरिए इदारे और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। मुतहदा अपोजिशन के बाद अब पेशे खिदमत है मुतहदा हुकूमत, जहां ओहदों की तकसीम कैसे होनी है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि हर जमात की कोशिश है कि वो अहम ओहदे और अहम वजारतें ज़रूर हासिल करे, क्योंकि अगर चंद सीटों वाली जमात की वजह से एक मुंतखब करदा हुकूमत को गिराया जा सकता है तो फिर ओहदे और वजारतें भी ये जमातें अपना हक समझती हैं। पाकिस्तान के 23वें वज़ीरे आज़म मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के पैटर्न इन चीफ भी बन गए। पीसीबी की वेबसाइट और दफ्तर में नए पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ की तस्वीर अवेज़ा कर दी गई है, जबकि साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान की तस्वीर हटा दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने इस्तीफा ना देने और नई हुकूमत की जानिब से कोई पैगाम मिलने तक काम जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन अगर इन्हें ओहदे से फारिग किया गया तो इनके जगह नजम सेठी को लाने पर गौर किया जाएगा।